हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से हम सभी का स्वागत है टेक मेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों मेरे चैनल पे दो तीन दिन पहले मैंने इस मीवी डुओपोड A25 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो शेयर किया है, और उसके बाद मैंने इसका कॉल क्वालिटी टेस्ट एंड उसके साथ साथ साउंड क्वालिटी टेस्ट वीडियो का भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया, अपलोड है चैनल पे। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आई बटन पे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा सारे वीडियो का, आप लोग जाके देख सकते हो। बट आज के वीडियो पे मैंने सोचा कि ये जो मीवी डुओपोड्स A25 है, इसका एक इनडेप्थ रिव्यू आप लोगों से शेयर किया जाए। और अगर आपको डेडिकेटेड रिव्यू देखना है पार्ट बाय पार्ट, तो आप लोग वो सारे वीडियो चेक कर सकते हो। बट ये वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों के मन में अगर कोई भी डाउट रहता है इस मीवी डुओपोड्स A25 को लेके कि इसको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, साउंड क्वालिटी कैसा होगा, गेमिंग लेटेंसी कैसा है, तो ये सारे चीज के ऊपर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, और लास्ट में कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों मीवी डुओपोड्स A25 TWS बजट रेंज के अंदर 1199 प्राइस पे आप लोगों को अमेजन पे मिल जाएगा। अगर आपको खरीदना है तो बेस्ट बाय लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप वहां पे जाके बाय कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अगर इसका फिटिंग का एंड कंफर्टनेस का बात करता हूँ, हालांकि मैंने अपना जो अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो था वहां पे मैंने क्विक एक बोला था कि कैसा इसका कंफर्ट है, कैसा इसका फिटिंग है, बट आज की वीडियो पे मैं इनडेप्थ बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसको पहन लेता हूं, फिर उसके बाद आप लोगों को बोलता हूं कि इसका जो फिटिंग एंड कंफर्ट है वो कैसा है। देखो दोस्तों इसको मैंने पहन लिया है अपने कानों पर, और कानों पर पहनते ही सबसे पहला जो मेन बात होता है वो क्या है, वो है इसका जो सराउंडिंग्स का नॉइज है वो काफ़ी हद तक लो होता है। इसके चलते क्या होता है, आपका जो साउंड सुनने की या म्यूजिक का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा बहुत एनहांस हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूं लुक्स वगैरह का, तो लुक्स आप लोग ऑलमोस्ट देख पा रहे हो तो काफी अच्छे से फिटिंग हुआ है, काफी छोटू सा टाइप का है, और जो वेट है वो भी ज्यादा नहीं है, तो पहनने में कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होता है। और अगर मैं अंदर से फिटिंग का बात करूं तो ईयर टिप आपको प्रोवाइड किया गया, वो भी काफी हाई क्वालिटी का है, तो इसके चलते कानों के अंदर भी आप लोगों को उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉपरली ये फिट हो जाता है। एंड जो वैक्यूम सिस्टम है वो भी काफी अच्छा है। कंफर्ट का बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, बट हाँ कंटिन्यूअस ज्यादा देर तक यूज करने से थोड़ा बहुत जो पेन है वो होता है, वो ऑब्वियस बात है। किसी भी टाइप के TWS की यूज करोगे एक सर्टेन टाइम के बाद आपके कानों के अंदर थोड़ा बहुत दर्द होगा। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट देर से दो घंटा यूज किया है कंटिन्यूअसली, उसके बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा जो है दर्द होने लगा, बट हाँ वो एक बार खोल के फिर से लगाते तो वो दर्द चला जाता है, और बहुत ही कम दर्द होता है, वो उतना भी प्रॉब्लम नहीं देता है। अब मैं अगर दोस्तों बात करता हूँ इसके कलर वगैरह का, तो कलर आप लोगों को मैंने बताया अभी तक चार कलर पे अवेलेबल है, ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है एंड रेड है। अब इसके ड्राइवर वगैरह का बात कर लेते, 10mm का ड्राइवर है, 10 मीटर की दूरी के अंदर आप लोगों को जो है कनेक्शन लेस परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब एक बात करते हैं वो है कॉल क्वालिटी कैसा है। देखो दोस्तों कॉल क्वालिटी का डेडिकेटेड वीडियो तो मैंने बनाया है, बट इस वीडियो के लिए अगर मैं आप लोगों से छोटू सा एक चीज शेयर करूं तो कॉल क्वालिटी काफी अच्छा है, एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो वॉइस है वो भी दूसरे एंड पे काफी अच्छा सुनाई देता है, दूसरे एंड का जो वॉइस है वो भी काफी अच्छा सुनाई देता है। मैंने अपने मैनेजर जो भाई है अनिकेत उसके साथ इसका जो टेस्टिंग है वो किया है, और जो रिजल्ट आया है वो भी काफी इंप्रेसिव आया है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखो तो वो वीडियो आई बटन पे जाके आप लोग देख सकते हो, क्लियरली जो है आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ इसके साउंड क्वालिटी टेस्ट वगैरह का, तो साउंड क्वालिटी के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है, बट फिर भी इस वीडियो के हिसाब से बात करें तो साउंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ बेस वगैरह का, तो बेस तो काफ़ी सही है, एकदम सूदिंग एंड काफ़ी बैलेंस बेस मेरे को लगा। ऐसा नहीं है कि एकदम हाई बेस हो रहा है, कानों के अंदर चुभ रहा है, वैसा कुछ नहीं हो रहा है, एकदम प्रॉपरली एंड बैलेंस बेस मेरे को देखने को मिला। बाकी सारे वोकल्स वगैरह जो है सारे कुछ मेरे को क्लियर लगा, ट्रेबल जो है वो भी क्लियर था, तो कोई भी दिक्कत मेरे को ऐसा साउंड के हिसाब से नहीं लगा। उसके साथ दोस्तों और कुछ चीज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ गेमिंग लेटेंसी का, तो फ्रैंकली स्पीकिंग गेमिंग लेटेंसी मैंने टेस्ट नहीं किया है, बहुत जल्द गेमिंग लेटेंसी वीडियो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को एक क्लियर इमेज पता चल जाएगा कि अगर आप इसको पहन के गेम वगैरह खेलते हो तो आपको किस टाइप का लेटेंसी वगैरह देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग टाइम वगैरह का बात करूँ तो देखो मैं पिछले 3 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक ना मेरे को ये जो केस है इस केस को चार्ज करना पड़ा, और ये जो
PWS होती है, ये तो ऑटोमेटिकली केस के अंदर चार्ज होती ही रहता है हमेशा, बट इस केस को चार्ज करने का ज़रूरत नहीं हुआ। जो मीवी ने मेरे को चार्ज करके भेजा था उसी चार्ज से मेरा अभी तक का ये जो काम है वो चल रहा है। बट आप लोग जब ये वीडियो देख रहे हो तब तक हो सकता है कि मैं इसको एक बार चार्ज कर लिया हूँ, बट हाँ वो नहीं भी हो सकता है, ये भी बात है। तो चार्जिंग वगैरह को लेकर उतना ज़्यादा मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं लगा, और इसका भी जो बैटरी वगैरह है वो भी काफ़ी सही टाइम के लिए रहता है। तो मैंने जैसे बोला कि 1.5-2 घंटा मैंने कंटिन्यूस यूज़ किया, और ये कंटिन्यूस यूज़ का बात करता हूँ तो दिन भर में मैं बहुत सारे जो काम है, मतलब जो भी बात करना होता है या गाना वगैरह सुनना है, वेब सीरीज वगैरह देखने का होता है, तो मैं इसी को ही यूज़ करता हूँ। तो कोई भी दिक्कत मेरे को ऐसा यो सारे चीज़ पर भी नहीं लगा। तो ऑलमोस्ट ये है दोस्तों कुछ इसका इनडेप्थ रिव्यू, और जो मेरे को लगा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को अगर वर्डिक्ट पूछना है, अगर क्या आप लोग का एट द एंड आपको ये मीवी डुओ पोर्ट Z25 बाय करना चाहिए कि नहीं, तो ऑब्वियसली मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा अगर आपको एक बैलेंस्ड बेस के साथ, क्लियर वॉइस के साथ, अच्छे क्वालिटी के कॉल क्वालिटी के साथ, अगर साउंड क्वालिटी के साथ सारी चीज़ एक पावर पैक्ड एंड बहुत ही मिनिमल प्राइस के अंदर कोई भी एक TWS हिसाब से चाहिए, तो मैं आप लोगों को आराम से मीवी डुओ पोर्ट Z25 सजेस्ट कर सकता हूँ। और आप लोग अगर इसको बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके बाय कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इंडेप्थ रिव्यू वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। डेडिकेटेड जो हर एक पार्ट का रिव्यू वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हो, और क्लियर इमेज जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा, जो भी डाउट है वो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों और एक चीज़, छोटा सा एक चीज़ पूछना चाहूँगा कमेंट सेक्शन पर, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन पर बताना कि हम लोगों के जो सेटअप है उस पर थोड़ा बहुत लाइटिंग वगैरह को मैंने चेंजेस करने का कोशिश किया है, तो अगर आपको ये लाइट अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, अच्छा है यार, कैसे कैसे इंप्रूव कर सकते। और एक दो लाइट आने है तो उसका भी थोड़ा बहुत इंप्लीमेंटेशन इन फ्यूचर आप लोगों को वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो भी इतना ही बोलना, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। और जो जो चीज़ मैंने बोला कि अगर अच्छा लगता है तो कमेंट कर देना, कमेंट करने से अच्छा कमेंट करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा वीडियो इन फ्यूचर लेके आ पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो की देरी खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।